आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आईटीबीपी भोपाल साइकिल रैली का दूर संचार वाहिनी आईटीबीपी के द्वारा स्वागत किया। भारत अपनी आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। गृह मंत्रालय ने इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम और गतिविधियां करने की योजना बनाई है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के द्वारा साइकिल रैलियों का आयोजन भी शामिल है। ये रैलियां देश के विभिन्न भागों से आरंभ हो गई हैं। 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर राजघाट पर ये संपन्न होंगी। ये रैलियां भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के साथ 75 साल की प्रगति और विकास को भी महत्व प्रदान करने के लिए है। साइकिल रैलियों के मुख्य मार्गों की योजना इस तरह से बनाई गई है कि ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े मार्गों से होकर निकले। देखिए साहब, ये साइकिल रैली जो है ये सेंट्रल फ्रंटियर आईटीबीपी भोपाल से निकाली गई है और ये 3 चरणों में चल रही है, जिसका पहला चरण आज यहाँ पर समाप्त हुआ। तो ये जो साइकिल रैली है भोपाल से गुना, गुना से शिवपुरी, शिवपुरी झांसी, झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से अलीगढ़, अलीगढ़ से नोएडा, और नोएडा में जाके फिर हम सब लोग एकत्रित होंगे और वहाँ से 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग राजघाट पहुँचेंगे। हाँ, अभी आप जैसे आप सीपी आईटीबीपी में आए हैं, आपका स्वागत हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा स्वागत, जगह जगह आपका स्वागत हुआ है। हाँ, जगह जगह स्वागत हुआ। उसमें ऐसा हुआ कि जब हम ये जो साइकिल राइड में बाइसाइकिल राइड निकले हैं तो सिर्फ मतलब साइकिल चलाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, और ये जो रूट भी हमने जो प्लान किया, हम नेशनल हाईवे से भी जा सकते थे, पर ये जो हमने रूट प्लान किया है तो रूट हमने इसलिए प्लान किया ऐसा कि हम रिमोट जो विलेजेस हैं, दूर दराज के जो गाँव हैं, वहाँ सब तरफ से रैलियाँ चली हुई, और ये सब 30 तारीख को दिल्ली पहुँचेंगी, 30 तारीख को 1 तारीख को, और सब 2 तारीख को राजघाट में मिलेंगी। और आईटीबीपी के अलावा जो दूसरे जो अपने सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, तो वो भी अलग अलग जगह से रैलियाँ निकाल रहे हैं। कुछ कन्याकुमारी से चले हुए, कुछ सिलचर से चले हुए, मतलब देश के हर पार्ट से चले हुए हैं। उसमें अपने ये सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, कल बीएसएफ नागपुर से निकली हुई है, कांग्रेस से निकल के नागपुर होते हुए वो लोग भी आ रहे हैं।